Welcome students to High School English class. I'm Dr. Tripti Verma from AD Government Girls Inter College, Gorakhpur. Students, today we are going to take up the fourth lesson prescribed in our prose section, Socrate. But before moving on, let us see what is the meaning of prose. Prose ka matlab kya hota hai? Aaiye hum ye jaan le. Prose is a form or technique of language that exhibits a natural flow of speech and grammatical structure. Prose comes from the Latin word prosa oratio, which means straightforward or direct speech. Prose poetry se alag hota hai kyunki isme rhyming words nahi hoti hain. Writers prose ka istemal tab karte hain jab wo apni writing ko, apni lekhni ko कॉमन लैंग्वेज में आम बोलचाल की भाषा में दर्शाना चाहते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोज आर नॉवल, टेक्स्ट बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. ये जनरल एग्जाम्पल्स हैं प्रोज की, नॉवल, टेक्स्ट बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लेसन. स्टूडेंट्स विल कम टू नो अबाउट द लाइफ history of the great Greek philosopher, thinker and teacher Socrates. Through questioning and discussion, students will also be able to see what is right and noble. They will also learn to use their reasoning ability to see what is right, just, true and beautiful. ये हमारा पर्पस था. जब हम लेसन सॉक्रेट पढ़ेंगे तब हम इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब हम ऑथर रोडा पावर के बारे में जान लें जिन्होंने सॉक्रेट लिखा है. रोडा पावर वॉज बॉर्न ऑन 29 May 1890. शी वॉज अ पाइनियर इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड चिल्ड्रंस राइटर. हर बुक ऑफ स्टोरीज रेड कैप रन्स अवे. हर बुक ऑफ स्टोरीज Red Cap Runs Away has become a children's classic. She has written on classical, social and general subjects. She died on 9th March 1957. So this was about the author Rhoda Power, who is the author of The Socrate. Moving on students, let us meet the characters of the lesson Socrate. Socrates, a preacher and teacher of Athens. Plato, disciple of Socrates. Crito, follower of Socrates. Jailer, the man in charge of implementation of the death penalty of Socrates. Now students, let us read the lesson Socrates, whose author is Rhoda Power. बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने द लेसन गंगा पढ़ा था जिसके ऑथर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू. इस लेसन में द गंगा में ऑथर ने हमें अपनी फीलिंग के बारे में बताया है और अपनी अटैचमेंट्स के बारे में बताया है कि किस तरह से वो गंगा के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं. इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी बताते हैं कि किस तरह गंगा सिंबलाइज करती हैं इंडिया के एज ओल्ड कल्चर और सिविलाइजेशन को. साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लेसन में अपनी लास्ट विश, अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया है. तो आइए बच्चों, हम लोग सॉक्रेट पढ़ते हैं जिसके ऑथर हैं रोडा पावर. सॉक्रेट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. Socrates was born in Athens about 400 years before the birth of Jesus Christ. Socrates ka janm 400 varsh Isa purv hua tha. As a boy, he was ugly and undersized and always rather shabbily dressed. Chote mein Socrates बहुत खूबसूरत नहीं थे और ना और उनकी साइज़ शॉर्ट थी. वो शॉर्ट हाइटेड थे और हमेशा बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड नहीं रहते थे. कंपेयर्ड टू अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, अगर हम उनकी तुलना
उनके एज के और दूसरे बच्चों से करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सॉक्रेट वॉज थॉटफुल, विचारक स्वभाव के थे और वो लोगों के एक्टिविटीज़ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। विचारक थे, थॉटफुल थे और लोगों के एक्टिविटीज़ को, उनकी कार्यशैली को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। सॉक्रेट डिड नॉट विश फॉर वेल्थ और ब्यूटिफुल पोजेशंस। सॉक्रेट को धन दौलत की, वैभव की चाहत नहीं थी। हिज माइंड फोकस्ड ऑन व्हाट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। सॉक्रेट बहुत ही साधारण किस्म के साधारण बालक थे और उन्हें धन दौलत की, ऐश्वर्य की कोई चाहत नहीं थी। धीरे धीरे सॉक्रेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सॉक्रेट बिकेम अ फेमिलियर फिगर टू एथेंस। ही वुड टॉक टू एनीवन, वेदर इट बी इन मार्केट प्लेसेस और रोड साइड। जैसे जैसे सॉक्रेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, वो एक जाना माना चेहरा बन जाते हैं एथेंस की सड़कों के लिए, उसके मार्केट के लिए, और वो कहीं भी लोगों से बात करते हैं और उनके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। पीपल वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। अक्सर ऐसा होता था कि लोग उनसे बात करने के बाद, उनकी जो पुरानी विचारधारा थी, जो उनकी पुरानी बिलीव्स थी, उनकी थिंकिंग्स थी, उसके बारे में वो कन्फ्यूज हो जाते थे, उनके माइंड में डाउट आ जाता था। सॉक्रेट वॉन्टेड एथेंस टू बिकम अ परफेक्ट स्टेट। सॉक्रेट ये चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श, एक आइडियल स्टेट बने, एक परफेक्ट स्टेट बने, और ये तभी हो सकता है जब वहाँ का हर नागरिक एजुकेटेड हो। एंड दिस वुड हैपन ओनली व्हेन एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। दिस विल बी अटेंड थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। सो एथेंस कैसे एक आइडियल, एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है? ये तभी बन सकता है जब वहाँ का हर सिटीज़न, एवरी सिटीज़न इज एजुकेटेड और उनमें क्वेश्चनिंग की और डिस्कशन की भावना हो, तभी एथेंस एक आइडियल स्टेट बन सकता है। Socrates became famous all over Athens and people felt honored to have him as their guest. सॉक्रेट फेमस होते हैं, लोग उनसे बात करके अपनी जिज्ञासा, अपनी कन्फ्यूजन्स, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनको गर्व महसूस होता है, वो ऑनर्ड फील करते हैं अगर सॉक्रेट उनके गेस्ट होते हैं। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉलोड हिम वेर एवर सॉक्रेट वेंट एंड अमंग देम प्लेटो वॉज इम्पॉर्टेंट। सॉक्रेट जहाँ भी जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉलोड हिम, और उसमें से इम्पॉर्टेंट है प्लेटो, जो आगे चल के अपने मास्टर की तरह ही फेमस होते हैं। लेटर ही ऑल्सो बिकेम फेमस एज हिज मास्टर। आगे चल के प्लेटो सॉक्रेट की तरह ही महान फिलोसोफर, ग्रेट प्रीचर बनते हैं। He was loved and respected by many, but some did not approve his techniques. Socrates was loved and respected by many. Common man थे, वो सॉक्रेट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा क्लास भी था, एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा वर्ग था जो सॉक्रेट की टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स को नहीं बढ़ावा देते हैं, उनकी टीचिंग्स को डिनाई करते हैं। Socrates taught that man's own mind influenced his conduct more than God's. Socrates taught that man's own mind influenced his conduct. Socrates ने लोगों को ये बताया कि उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी माइंड उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ना कि गॉड्स, ना कि भगवान। He said that there were many higher and nobler deeds than making sacrifices to Greek gods.
सोक्रेट ने कहा कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ग्रीक गॉड को सैक्रिफाइसेस, उनको ऑफरिंग्स देने से कहीं अच्छे हैं. मैनी थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस व्हाट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव. उनके इस टीचिंग्स को, सोक्रेट्स के इन टीचिंग्स को, कुछ लोगों का कहना था कि वो यूथ्स को, युवाओं को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और उनके माइंड में, उनके दिमाग में डाउट्स भर रहे हैं जो उन्हें बहुत समय से, सालों से सिखाया जा रहा है कि क्या उनको फॉलो करना है, क्या मानना है. उस सालों पुरानी कथन को वो झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं. सोक्रेट कुछ लोगों के तो चहीते बन गए थे. लोग उनसे बातें करना चाहते थे, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते थे, उनसे अपने क्वेश्चंस क्लियर करना चाहते थे. लेकिन इस ग्रुप के अलावा एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था जो, जिसे सोक्रेट की टीचिंग्स पसंद नहीं आती. और इसका क्या परिणाम होता है, इसका क्या रिजल्ट होता है, आइए हम देखें. Socrates was summoned by the government of Athens to appear before the court. Socrates को कोर्ट में हाजिर होने का संदेश मिलता है. कोर्ट से बुलावा आता है, एथेंस कोर्ट से, और Socrates वहाँ जाते हैं. His friends requested him to flee the state, but Socrates did not. जो सोक्रेट के वेल विशर्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो सोक्रेट से कहते हैं कि वो एथेंस छोड़ के चले जाएं, लेकिन सोक्रेट कहते हैं नहीं. सोक्रेट वॉज नॉट अ कावर्ड. सोक्रेट सेड दैट ही विल अपियर बिफोर द कोर्ट. सोक्रेट कहते हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे और वहाँ वकीलों के, लॉयर्स के सवालों का जवाब देंगे. He said before the court that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. सोक्रेट ने कोर्ट में कहा कि वो जिस चीज को मानते हैं कि वो सोक्रेट ने कहा कि वो जिस चीज को मानते हैं कि वो सही है, उस चीज के लिए वो हजार मौत मरने को तैयार है. सोक्रेट डिड नॉट फ्ली द स्टेट एथेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आफ्टर द ट्रायल सोक्रेट वाज गिवन अ सेंटेंस ऑफ डेथ. एज एक्सपेक्टेड, जैसा अनुमान लगाया गया था, सोक्रेट के ट्रायल के बाद सोक्रेट को डेथ सेंटेंस मिलता है, मृत्यु की सजा मिलती है. और अकॉर्डिंग टू द एथेंस रूल, एथेंस रूल के अनुसार सोक्रेट को अ कप ऑफ पॉइजन पीना था. ही वॉज टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन. सोक्रेट हैड नो रिग्रेट्स. ऑन हिज वे टू द सेल ही टॉक्ड एंड टॉट हिज पीपल्स मैनी वाइज लेसन्स. द जेलर हु हैड टू परसिक्यूट द ऑर्डर बर्स्ट इन टू टीयर्स फॉर ही न्यू that a noble heart was to die. The jailer who was to carry on the order burst into tears. वो रोने लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि एक noble heart अब इस दुनिया से चला जाएगा. When he lifted the cup of poison to his lips, he heard a sob and soon the room was filled with weeping sound. जैसे ही सोक्रेट कप ऑफ पॉइजन अपने होठों तक उठाते हैं, एक सिसकी सुनते हैं, एक सॉब सुनते हैं और तुरंत ही, बहुत जल्दी ही पूरा रूम, पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर जाता है. सोक्रेट रुक जाते हैं. सोक्रेट स्टॉप्ड एंड ही आस्क्ड हिज पीपल्स टू हैव पेशेंस. सोक्रेट रुक जाते हैं, आधा जहर का प्याला खाली हो गया था और वो रुक जाते हैं और वो अपने पीपल से, अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि टू हैव पेशेंस. वो कहते हैं कि धैर्य रखो. ही सेड दैट अ मैन मस्ट डाई इन पीस.
वो कहते हैं कि एक मरने वाले को शांति से पीस से मरना चाहिए. He remembered something and asked Crito to pay the debt of a cock to Asclepius the god. Crito asked what else he can do, but Socrates was now silent. He was dead. क्रीटो कहते हैं कि ये काम हो जाएगा और क्या कुछ ऐसा और भी है जो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है. सॉक्रेट वॉज साइलेंट, ही वॉज डेड. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन द सॉक्रेट वी रीड अबाउट द ग्रेट फिलोसोफर एंड टीचर ऑफ एथेंस सॉक्रेट, हु वॉन्टेड टू सी एथेंस एज एन आइडल स्टेट. And this would happen only when every people are educated. इस लेसन सॉक्रेट में रोडा पावर्स हमें सॉक्रेट के बारे में बताती हैं, जो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर और प्रीचर हैं. सॉक्रेट एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट, एक आइडियल स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब वहाँ का हर एक सिटीज़न educated ho. Some did not like his teaching and he was summoned to court and condemned to death. Lekin kuch log aise bhi hain Athens mein jinhe Socrates ki teachings nahi pasand aati aur unko court mein summoned kiya jata hai aur unhe death sentence sunai jati hai. Here the author says that noble thoughts and good changes are not easily accepted by the society. ऑथर रोडा पावर यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि जो गुड चेंजेस हैं, अच्छा बदलाव और नोबल थॉट्स और अच्छे विचार, सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती. आइए बच्चों, हम वोकैबुलरी देखते हैं. लेसन पढ़ने के दौरान हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिली हैं, आइए उनका मीनिंग जान लें. Athens, a city in Greece, undersized, of short size, shabbily, not smartly dressed, possessions, belongings, summoned, called for, condemned, pronounced sentence, patience, calm. So students, this was the difficult meanings. Now let us see the types of questions that usually comes from this prose section. Comprehension based questions. 1. Long question to be answered in 60 words, 2 short questions to be answered in about 25 words, and last is the vocabulary based questions. Here is an example. Based on the above pattern, by practicing this, the above question pattern will be clear to you. Read the following passage and answer the questions that follows. यहाँ एक उस लेसन से एक पैसेज दिया गया है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं, उस पैसेज पर जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, उसको आपको आंसर करना है. In Athens, when people were condemned to die, they were given a cup of poison. Socrates knew this and he nodded to the jailer, who looked at him sadly, saying, "You, Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and the best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others, and not I am the guilty cause." इस पैसेज पर बेस्ड स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चंस हैं. हियर आर टू क्वेश्चंस. हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस, एंड पॉइंट आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द सेम एज क्रिमिनल एंड अग्रीड. इसके साथ ही बच्चों, आपको ये भी सजेशन दी जाती है कि आप जब लेसन मेमोराइज करें, उसे पढ़ें, तब उस लेसन के नाम के साथ साथ उस लेसन के ऑथर का भी नाम मेमोराइज करें, उसे ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ सॉक्रेट्स इन अबाउट 60 वर्ड्स. Third, answer the following questions in about 25 words. Who was Socrates? Where did he live?
what happened when Socrates was about to drink the cup of poison. And fourth is, match the following words in list A with their meaning in list B. लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दी हुई हैं और लिस्ट बी में उनके मीनिंग दिए हुए हैं. आपको लिस्ट ए के वर्ड्स को लिस्ट बी के उनके मीनिंग से उन्हें मैच करना है. स्टूडेंट्स, बिफोर वी एंड दिस इंग्लिश सेशन, लेट अस सी व्हाट इज अ मोडल ऑक्सिलरी वर्ब. अ मोडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस. मोडल वर्ब हमारे मूड और टेंस को इंडिकेट करते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोडल ऑक्सिलरीज आर मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ऑट एंड डेयर. कैन एक्सप्रेसेस अबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन. कुड इज पास्ट टेंस ऑफ कैन. May expresses permission, possibility, wish or prayer. Might is past tense of may. Must expresses necessity, prohibition or and compulsion. Now students, here is another set of practice for you. ये एक और exam exercise है जिसे आपको करना है. एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और इस पैसेज पर बेस दो क्वेश्चन है. सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ. ही वॉज इम्प्रेजेंट मैनी टाइम्स बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर इफेक्ट्स आर मेड टू मेक इंडिया फ्री. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. इस पैसेज को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस पैसेज पर बेस ये दो क्वेश्चन हैं. Why was Subhash Chandra Bose called Netaji and give a suitable title of the above passage? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग. यहाँ बच्चों कुछ वर्ड्स दी हुई हैं. ईच वर्ड हैज़ सम मिसिंग अल्फ़ाबेट्स. यू हैव टू कंपिल इन दोज मिसिंग अल्फ़ाबेट्स टू कंप्लीट द स्पेलिंग. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन सॉक्रेट हुज ऑथर इज रोडा पावर. होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर लेसन प्लान. अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.